नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। मैं लेके आया आप लोगों के लिए आईपीसीटी की नई अपडेट। आईपी यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड को रिलीज करा, आईपीसीटी रिगार्डिंग उसी की अपडेट है एंड एडमिट कार्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है, उसका भी सोल्यूशन बताने वाला हूं। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस की। सर, आज है आप लोगों की 27 अप्रैल और कल भी आप लोगों का एग्जाम है। आज कुछ बच्चों का एग्जाम हो चुका है एंड कल भी आप लोगों का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चों को एडमिट कार्ड के डाउनलोडिंग की भी प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारे बच्चों की ये भी प्रॉब्लम है कि एडमिट कार्ड के ऊपर सिग्नेचर नहीं आ रहा है, फोटोग्राफ नहीं आ रही है, बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो रही है। एंड इसके अलावा आईपी यूनिवर्सिटी ने एक अपडेट दी है कि उन्होंने जो 1 तारीख को एग्जाम होने वाला है, मतलब 1 मई को और 4 मई को जो एग्जाम होने वाले हैं, जिसके अंदर बीएड का एग्जाम है, बीएचएमसीटी का एग्जाम है, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स का एग्जाम है, तो इन सब के एडमिट कार्ड्स को रिलीज कर दिया गया है। तो काफी सारे एग्जाम आप लोगों के 1 तारीख और 4 तारीख को भी हो रहे हैं। 4 तारीख को तो 2 ही एग्जाम है और 1 तारीख को कुछ एग्जाम हो रहे हैं, उनके एडमिट कार्ड आप लोगों के साइट पर आ चुके हैं, तो आप लोग वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के नए एडमिट कार्ड में या फिर जिन बच्चों का एग्जाम कल है उनके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले अगर फोटोग्राफ नहीं आ रही है उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम वाले दिन अपना आधार कार्ड अपने साथ लेके जाना, आप लोगों को एंट्री दे दी जाएगी। एंड अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, तो आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी वैसे आप लोगों को उनको मेल करना चाहिए था, आप लोगों को पहले ही ये सब चीज़ें देखनी चाहिए थी। बट अगर आप लोगों का कल एग्जाम है या फिर अगर 1 तारीख को एग्जाम है तो आप लोग अभी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोगों का एग्जाम कल ही है और आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप लोग अभी रात तक ट्राई करते रहिए, जितने भी डिवाइस है उनसे ट्राई करते रहिए, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं और आप लोगों का एडमिट कार्ड हो सकता है एकदम एंड मोमेंट पर डाउनलोड हो भी जाए। तो अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड रात में डाउनलोड हो जाता तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग कल एग्जाम दे पाएंगे। अदरवाइज हर साल ऐसा कुछ ना कुछ बच्चों के साथ होता है कि आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता और उन बच्चों का एग्जाम ही मिस आउट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स आईपी यूनिवर्सिटी के टेक्निकल ग्लिचेस चलते रहते हैं हर साल का ये। लेकिन अगर आप लोगों का नहीं हो पा रहा है तो मैं आप लोगों की इसमें अब ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, तो आप लोग बस ट्राई करते रहो, उससे ज़्यादा तो मैं आप लोगों को सोल्यूशन नहीं दे सकता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को भी डाउट है तो आप मुझसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।